दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में आप जानते होंगे, उसी प्रकार से आप बैठे बैठे अपना खुद से जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। जियो बैलेंस खाता यानी जियो पेमेंट बैंक आप बना सकते हैं आसानी से। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा। दोस्तों जियो पेमेंट अकाउंट का खाता खोलने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है माई जियो। माई जियो एप्लीकेशंस को आपको सर्च करना है। माई जियो ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। दोस्तों जियो सिम कार्ड आपके फ़ोन में लगा चाहिए और लगे होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसमें फर्स्ट टाइम आप अपना जियो का नंबर डालेंगे और आपका ऑटोमेटिकली ओटीपी जाएगा और ओपन हो जाएगा आपका माई जियो ऐप इस प्रकार से। दोस्तों आपके होम स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक पेमेंट बैंक यानी बैंक का ऑप्शन दिखाई देगा जियो ऐप में। अब इस बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद ये आपका इस प्रकार से जियो पेमेंट बैंक ओपन होगा। देख सकते हैं आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, ओपन योर सेविंग बैंक अकाउंट ओनली जीरो बैलेंस। यहाँ से आपको लेट्स गेट्स स्टार्ट पे टिक लगाकर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जिस नंबर से जियो नंबर से और यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके जियो नंबर पे वेरिफिकेशन जाएगा और ओटीपी द्वारा वेरीफाइड होगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद इस प्रकार से ओटीपी ऑटोमेटिकली कर यहाँ से आपको एम पिन वैलिडेशन करने के लिए ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको एम पिन सेट करना है यानी चार अंक का आपको कोई भी कोड सेट करना है। दोस्तों कोड सेट करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शंस दिखाई देगा। अब उस कोड को आपको याद रखना है जो आपने कोड सेट किया। अब यहीं पे आपको एक ज्वाइन का ऑप्शंस आ जाएगा वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक। यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके नंबर पे फिर से ऑटोमेटिकली ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी ऑटोमेटिकली ही सबमिट होगा, वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड ऑटोमेटिकली होने के बाद इस प्रकार से आपको ऑप्शंस आएगा और यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आधार नंबर अपना डालना है और टिक लगाकर प्रोसीड करना है। यहाँ पे मैं आधार नंबर फिल कर चुका हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको फिर से आधार कार्ड पे एक ओटीपी जाएगा जो आपके नंबर पे लिंक रहेगा। आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ओटीपी को सेंड कर दिया गया है हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। आपके उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। हमारे नंबर पे ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे मैं इस ओटीपी को फिल करता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से वैलिडेशंस होगा पे आपका सारा जो है डिटेल फिल होगा, जिस पे यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस दिखाई देगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, अकाउंट डिटेल्स, वीडियो केवाईसी आपका किया जाएगा क्रिएट अकाउंट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको सारा एड्रेस अपना जो भी आधार कार्ड से था सबको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है और फिल कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी आपका अनिवार्य है, भरना जरूरी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, अकाउंट डिटेल्स हो गया और वीडियो केवाईसी आपका बाकी है। यानी आप जो है इसमें अपना पैन नंबर भरेंगे, मैरिटल स्टेटस भरेंगे, आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार से आप मिस्टर लगाकर भर सकते हैं पैन नंबर और मैरिटल स्टेटस, और फादर नेम भरेंगे आपका जो भी पैन कार्ड पे नाम होगा। उसके बाद पिता के नाम के बाद माता का नाम भी भरना जरूरी है। उसके बाद माता के नाम के बाद माता का लास्ट नेम और ऑक्यूपेशंस, आपकी आदत क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशंस भी भर सकते हैं। ऑक्यूपेशंस भरने के बाद आपको सिर्फ एनुअल एक इनकम यानी आपका सालाना इनकम कितना है और टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों इसमें सालाना इनकम आपको 50,000 से 1,00,000 मिनिमम है तो उसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। आपको भरने के बाद वीडियो केवाईसी होगा। वीडियो केवाईसी में आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को शो कराना होगा और जो भी इसके जियो के एजेंट रहेंगे वो आपसे इस ऑफिस द्वारा बात करेंगे। बात करने के बाद आपका अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर ओपन हो जाएगा और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपका जो है
डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जिस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक का मिलता है, और आपको उसका नंबर का जियो पेमेंट भी मिल जाएगा, जियो पेमेंट अकाउंट जिसके माध्यम से नंबर द्वारा भी पैसा आ जाएगा और किसी को स्कैन कर भी आप पैसा सेंड कर पाएंगे। दोस्तों इतना सारा डिटेल्स करने के बाद आप जब बैंक पे क्लिक करेंगे तो बैंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा व्यू का। व्यू का जब ऑप्शंस मिल जाएगा तो आप आसानी से इसे व्यू कर सकते हैं और व्यू कर सारा काम जो है आप आसानी से कर पाएंगे। वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक कर इस प्रकार से जो आपने को मैंने बताया सारा काम आपको कर लेना है, और करने के बाद आप आसानी से एयरटेल पेमेंट बैंक जैसा ही जीरो बैंक अकाउंट घर बैठे ओपन कर पाएंगे।